आज हम लोग जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिस्कस करने, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स लेंगे, शॉर्ट रिवीजन एक करेंगे, तुरंत खत्म करेंगे। ओके, देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं अभी। इंटीग्रेशन इसमें एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग को जल्दी जल्दी लेना है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देख लेंगे बहुत जल्दी, एकदम शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक शॉर्ट नोट की तरह आप लोग इसको रेडी कर लें, लिख लें इसको अच्छे से। ओके, तो देखिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको तुरंत, अभी स्टार्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है कि इंटीग्रेशन अगर लिख रहे हैं हम लोग, तो किसी भी एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेट करना है हमको y इक्वल्स टू fx को, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो भी है, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो उसको b से a से b में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी हम लोग ले लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये जो फंक्शन होना चाहिए जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑलवेज मतलब ये जो लिमिट्स लिए हुए हम लोग, द लिमिट्स वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, इसमें ए से बी में ये एफ एक्स होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है ऐसा जिसमें ये, अगर ये ए है ये बी है, अगर यही होगा तभी ये फंक्शन कंसिडर करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जब तक ये कंटिन्यू, क्योंकि ये ए से बी में कंटिन्यूअस है, मान लीजिए अगर कोई ऐसा फंक्शन है अगर वो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस रहा, ये सम पॉइंट सी हो गया, तो यहां ए से बी में, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसके बाउंड्री कंडीशन पे फिर हम लोग को डिस्कस करना होगा, मतलब कंटिन्यूटी ए से सी में है और फिर सी से बी में है, यानी फंक्शन को हम लोग को पहले इंटीग्रेट करना होगा ए से सी में, फिर प्लस करके हम लोग लिख देंगे सी से बी में। ओके, तो ये है बेसिक्स इसका जो हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इसका तुरंत प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ए से बी में एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन बी से ए में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस टाइम, ये एक सिंपल प्रॉपर्टीज है। दूसरी जो है ये हम लोग लिखते हैं इसको, ए से बी में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू ए से बी में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए से ए में एफ एक्स जो है वो इक्वल, एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा, कितना क्या इक्वल होगा, ये जीरो के इक्वल होगा इफ एफ एक्स इज ऑड, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ जीरो से ए में होगा इफ एफ एक्स इज इवन, ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। फिर इस पे इन सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं जो यहां पे मैंने लिखा है, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अबाउट 60% जो क्वेश्चन अभी तक जेई में आया हुआ है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं किंग्स रूल, ठीक है ना, किंग्स रूल बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि बहुत जगह अप्लाई होगा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये है क्वींस रूल, ठीक है, क्वींस रूल, ठीक है, बोलते हैं क्वींस रूल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बहुत सारी जगह पे अप्लाइड होगा। अब क्या होता है कि एक और प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टीज है, फोर्थ प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टीज के तौर पर हम लोग और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मैं लगभग दो तीन, एक दो और डिस्कस कर लेता हूं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है, इसको जीरो से ए में इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स को, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या लिख देंगे, हम लोग यहां पर उसको लिखेंगे, इसको हम लोग फिर बॉक्स बना लेते हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग कि वो होगा जीरो इफ, कब होगा जीरो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, और फिर ट्वाइस ऑफ जीरो से ए बाई टू में इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां माइनस इतना होना चाहिए और ये होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, यहां एफ एक्स इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, तब ये वाली प्रॉपर्टीज वैलिड है। मैं बेसिक्स देखिए मैं क्या करूंगा कि मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे, दो तीन प्रॉब्लम हम लोग देख लेंगे, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो हम लोग को डिस्कस करने चाहिए, ठीक है ना। फिर एक और प्रॉपर्टी आती है, वो वाली प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी वाली, कि क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन ले लिए हम लोग, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका पीरियड टी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसको जीरो से एम टी में इसका पीरियड जो है वो टी है, मान लीजिए, तो जीरो से एम टी में अगर हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है,
तो हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, m इंटू जीरो से t में f ऑफ x dx, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा रहा, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके की ये भी प्रॉपर्टीज हम लोग एडअप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx का कोई इंटीग्रेशन आपको दे देगा, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करना है जीरो से हंड्रेड में, तो इसकी पीरियड कितनी होती है, वन होती है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हंड्रेड इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ओके, ये हम लोग कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे साइन एक्स वगैरह कुछ भी ऐसे पीरियोडिक जो भी प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके से आए फॉर्मेट में आए, या कुछ ऐसा रहे एनटी, मान लीजिए यहाँ पे जीरो पे जगह एनटी रहे, एनटी यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एम माइनस एनटी, ओके, अब यहां से हो जाएगा एम माइनस एनटी जीरो से टी में कर लेंगे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसको देख लेने का होगा, आप लोग इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट आउट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो बहुत सारे तरीकों से हम लोग करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह थोड़ा हम लोग एक मिनट में देख लेते हैं, तुरंत उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं ना, हम लोग अपने डिजायर से करना चाहिए, ऐसा डिजायरेबल मतलब सब, मतलब ऐसा डिजायर कीजिए, ऐसा मतलब कंसिडर कीजिए जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फायदा मिले, ठीक है ना। जैसे क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म के तरीके से है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें सोचेंगे कि क्या करना चाहिए और इसमें क्या आएगा। देखिए अगर इसमें इस तरीके का प्रॉब्लम है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डाल देंगे। अगर एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा डालेंगे तो क्या आएगा वहां, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, बेसिकली पूरा हो जाएगा टैन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर टैन थीटा बाई 2 एलन मॉड साइन एक्स, एलन मॉड सेक एक्स होता है, एलन मॉड सेक एक्स, ठीक है, तो यहाँ हम लोग मॉड सेक एक्स लगा सकते हैं उसके लिए, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर हम लोग आ जाएगा। जैसे जैसे ऐसा आ गया कोई फंक्शन, मान लीजिए ऊपर में कोई फंक्शन है उसके नीचे में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर में क्या करेंगे, टी इक्वल टू टेन थीटा डाल देंगे, तो यहाँ डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ऐसा कोई अगर फंक्शन है तो कर लेते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है ना, यहाँ टी स्क्वायर है तो उसकी जगह हम लोग टेन थीटा डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर फर्दर हम लोग को क्या सोचना है कि हम लोग मेरे हिसाब से जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होता है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग इसका क्या लेते हैं, सी बाई टी, क्या बोलते हैं कि सी बाई टी और सी टी, ठीक है, एक्स इजिकल टू सी टी, वाई इजिकल टू सी बाई टी। अब इसको इंटू करने से क्या आता है, ये सी स्क्वायर आ जाता है। इसी तरीके से हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म ऑलवेज डिसाइड करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि पहले देखिए, पहले मैं सिंपल एक फॉर्मूला जो लिख देता हूँ, फॉर्म जो होता है उसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है क्या है ना, फॉर्म ये जो होता है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मान लीजिए आईलेट से हम लोग इसका, आईलेट जो होता है ना, आईलेट से हम लोग इसका प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। अब ये आईलेट में ये होता है इनवर्स, ये होता है लॉगरिथमिक, ये होता है अलजेब्रिक, ये होता है सॉरी आई एल ए टी ई, ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और ये होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग मान लेते हैं, एफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन है, वो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। अब ये फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स को जब हम लोग कंसिडर कर लिए हैं, तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख दिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये वाला कंसिडरेशन हम लोग को कर लेना होगा, ठीक है, ये पूरा हम लोग देख सकते हैं, ओके। नाउ वी हैव टू प्रोसीड अगेन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब इसको क्या है ना कि अब कोई फॉर्म आएगा, अब इतना लंबा मेथड लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम, इसीलिए हम लोग एक सिंपल मेथड से कर सकते हैं, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं डी आई मेथड, ओके, डी आई मेथड उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डी आई मेथड, दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग वी हैव टू डिसाइड ऑल द प्रायोरिटी एज हम लोग जो फॉर्मूला में जैसे डिसाइड करते हैं आईलेट की तरह से ही इसमें क्वेश्चन में भी जो प्रायोरिटी है उसको डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि तब तक देखिए हम लोग इस प्रॉब्लम, इसको इस डी आई मेथड को एक प्रॉब्लम हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ओके।
नाउ डीआई मेथड, ओके, तो यहां इंटीग्रेशन करता हूं मैं, एक प्रॉब्लम ले लेता हूं इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेट करके इसको समझते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, फिर यहां पे हम लोग प्रायोरिटी जब लगाएंगे आईलेट वाली ठीक है ना, तो इसमें क्या है ना कि आई का क्या है कि ये एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल ये हो जाएगा, तो ये दोनों में क्या है ना कि ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक को लेंगे, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा, तो फर्स्ट फंक्शन जब एक्सपोनेंशियल एक्सेस, ओके नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करते हैं इसको एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को प्रॉब्लम करने के लिए, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कंसीडर अ बॉक्स, एक हम लोग क्रिएट अ बॉक्स कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, इसमें लिख दीजिए आप डी, इसमें आई और इसमें साइन, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करेंगे, इसमें जिसको इंटीग्रेट करना है तो सेकंड फंक्शन यहाँ, फर्स्ट फंक्शन यहाँ, सॉरी सेकंड फंक्शन यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ, जिसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखिए 2x, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 2x का 2 हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और साइन फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, इसका 0 और e की पावर x का e की पावर x, और यहाँ साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये सारे प्रायोरिटी ये हम लोग हो गया। अब ये क्या है ना, ये जो पार्शियल जो इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये सॉल्व हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना है, इसको डायगोनली साइन के साथ लिख देना है, डायगोनली साइन के साथ लिख देना है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x e की पावर x प्लस 2e की पावर x प्लस c, ये हो गया पूरा आंसर। अगर इस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, लिमिट्स लगा लेंगे हम लोग b से a, यहाँ पे भी हम लोग पूरा लगा लेते हैं b से a, ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का डिजायरेबल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डी आई मेथड यही कहता है कि एक दो बॉक्स क्रिएट करो, साइन लिखो एक्स स्क्वायर ई की पावर, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन में, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएट देम, और इसको आगे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ a है यहाँ b है, इस तरीके से इसको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उस तरीके से हम लोग उसको कर ले सकते हैं। फिर है क्या कि इसमें और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, जैसे एक्स की पावर एक्स हो गया, एक्स साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, इस तरीके से जितने प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते चलते हम लोग इसको आगे। अभी क्या है कि इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक और अच्छे तरीके से, एक चीज को देखते हैं हम लोग, डीआई मेथड हम लोग कर लिए, अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर सकते हैं और भी अच्छे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैं अब एक प्रॉब्लम लेता हूं, उसको मैं डिस्कस करूंगा पहले, फिर हम लोग उसको समझेंगे, प्रॉपर्टी का यूज उसमें करेंगे, और फिर लगाएंगे कि क्या है, कैसे होना चाहिए, ओके ओके। तो प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं, I इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्वेश्चन dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x अपॉन इनटू 2 माइनस cos 2x, ओके, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, इसको एक बार आप खुद से देखें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करने हैं। तो देखिए यहां पे जो दिया हुआ है उसमें ये माइनस पाई बाई फोर दिया हुआ है, यहां पाई बाई फोर दिया है, देख के जो फॉर्मेट हम लोग को पता चल रहा है, तो यहां तो यही लग रहा है कि हम लोग को क्वींस सब थोड़ा सोचना चाहिए, क्वींस के बारे में सोचेंगे हम लोग, क्वींस रूल, ठीक है। क्वींस रूल क्या कहता था, वही इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में एफ ऑफ एक्स डी एक्स का करना था हम लोग को, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना था, जिसमें हम लोग कहते थे जीरो अगर ऑड हो गया तो ट्वाइस ऑफ समथिंग, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से ए में अगर इवन हो गया तो, अगर ऑड हो गया तो जीरो, ओके, यहाँ पे ऑड हो गया तो जीरो, ओके, ऑड हो गया तो जीरो, इवन हो गया तो ये लगा लेंगे। तो पहले ऑड इवन चेक तो कर लें कि ये है कि नहीं। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आए, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, माइनस ए से ए का फॉर्मेट आए, तो एक बार यूटिलाइज जरूर कर लेते हैं हम लोग ये क्या है कि क्वींस लग रहा है कि नहीं। तो क्वींस लगाने के लिए हम लोग को पहले चेक करना होगा ये फंक्शन है कि नहीं, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन क्या है। तो हम लोग x की जगह माइनस एक्स डाल दें तो 1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन इंटू 2 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स। तो यहां पे क्या करेंगे ना, फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर कि अब ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और 2 ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ग्रेटर माइनस कॉस एक्स नहीं होता, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस ऑफ एक्स ही हो जाता है। तो यहां पे ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये ना ही माइनस एफ एक्स आया ना ही प्लस एफ एक्स आया, ये क्या आ जाएगा, ये आ क्या रहा है, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स आ रहा है, ये आ रहा है ई की पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अप इंटू कॉस सॉरी ट्वाइस ऑफ 2 माइनस कॉस 2x, ये आ रहा है। तो ये ना ही इवन है ना ही ऑड है, तो इसीलिए यानी यहां क्वींस अब नहीं लगा सकते हम लोग। तो फिर हम लोग फर्दर सोचेंगे कि हम लोग क्या इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सोचते हैं,
तो अभी हम लोग देखते हैं क्या लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग क्वींस तो लगा के देख लिए, क्वींस इसमें लग नहीं रहा। अब क्वींस लग नहीं रहा तो एक बार किंग्स देखते हैं। देखिए ये दोनों प्रॉपर्टीज एक बार लगा के जरूर ऐड कीजिए, फिर पता चलेगा कि ये कौन कैसा प्रॉब्लम था, क्या है क्या नहीं है, तब पता चलेगा। फॉर्मेट देख लिया कीजिए कि ऐसा है कि नहीं है। तो अभी क्या है कि अब हम लोग यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स, ये माइनस पाई बाय फोर था, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर था, तो हम लोग आई को फिर से क्या लिख सकते हैं, टू बाय पाई, और एक्स की जगह पाई बाय फोर प्लस माइनस पाई बाय फोर डेट इज जीरो माइनस एक्स, तो मतलब डी एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स आ रहा है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इन टू टू माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स डेट इज कॉस एक्स, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये आ जाएगा चेंज। अब है क्या, दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। अब ये 2i जब हम लोग जोड़ लेंगे दोनों को, तो यहाँ क्या आ गया, 2 बाई पाई तो कॉमन आ जाएगा सब में, 2 बाई पाई तो सब में कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ में ये भी माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर में था, तो 2 बाई पाई इसको हम लोग लिखेंगे क्या, जब ऐड कर लेंगे तो लिख देंगे 2 बाई पाई, अच्छे से लिखते हैं इसको 2 बाई पाई। अब ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, अच्छा ये भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं जी हाँ। तो ये अब क्या होगा, वन अपॉन ई की पावर साइन एक्स करेंगे तो ये वन प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा ना, अब ऐड करने पे इन सबको, जैसे ये अभी हम लोग ऐड करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, ई की पावर साइन एक्स वन प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब प्लस ये इंटीग्रेशन जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये मैं पूरा ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि हम लोग ये कर रहे थे, और ये वाला क्या होगा, ये होगा बेसिकली ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स और इंटू वन प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब होगा क्या ना कि ये देखिएगा, पूरा देख लीजिए एक बार आप अच्छे से इसको देख लें, ठीक है, ई की पावर साइन एक्स कर लिया हम लोग, तो अभी क्या होगा कि ये वाला जो फॉर्मेट है ये हम लोग क्रिएट कर लिए, ठीक है ना। अभी इसको देखते हैं, फिर से आगे देखते हैं, नोट करते चले आप आगे आगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग वहां तक देख लिए, तो जब दोनों को ऐड किए तो ये 2i आ गया, 2i इज बेसिकली इक्वल टू 2 बाय पाई, 2 बाय पाई, अब 2 बाय पाई इंटीग्रेशन। अब होगा क्या कि दोनों में से जब ये कॉमन आ गया तो ये ऊपर में भी आ जाएगा और ये नीचे में भी आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, क्या था जो फंक्शन था वो था समथिंग क्या था, ये देखिए यहां पर हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स तो 2 माइनस कॉस 2x, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, एक ने एक दूसरे को मार दिया, खत्म, ठीक है, यहां ये कट गया। अब होगा क्या, ये 2i जो बच गया ना, ये हो गया आपको 2 बाय पाई इंटीग्रेशन, ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx हो गया यहां पे। अब ये इंटीग्रेशन कितना बच गया, अब इंटीग्रेशन के साथ ये बच जाएगा आपको कितना, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, ये समझ रहे हैं आप, हाँ जी। अब देखिए अब क्या लगाएंगे यहाँ पे समझने का है, तो 1 2 माइनस कॉस 2x आ गया। अब देखिए एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, तो यहां देखिए 2 माइनस कॉस 2x आ गया। अब 2 माइनस कॉस 2x आ गया तो फिर यहां पे अब देखिए ये कितना था, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में था ना, अब इसको लगा दीजिए यहां पे, देखिए a प्लस बी नहीं लगाना, अब यहां क्वींस लगा दीजिए, यहां पे क्या करेंगे, क्वींस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहां फॉर्मेट दिख रहा है, अगर x की जगह पे माइनस x डालेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा, यानी ये इवन फंक्शन हो जाएगा, ये वाला जो फंक्शन होगा ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा, जब इवन फंक्शन होगा, इस 2 में 2 को मार दिया, इसको काट देंगे हम लोग, तो ये देखिए इवन फंक्शन एक हो जाएगा, तो जब इवन फंक्शन होगा तो i इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 में, ट्वाइस लगा देंगे आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, इतना dx लिख दिया हमने। अब है क्या ना कि भाई cos 2x को हम लोग चेंज कर लेते हैं dx में, cos 2x को सॉरी tan tan में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आसानी हो जाएगी बनाने में हमें, ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या ले आए थे, अभी 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 हम लोग लाए थे यहाँ पे कि इंटीग्रेशन करने ऑफ कितना कर रहे थे हम लोग, 0 से पाई बाई 4 में ट्वाइस आगे लगा लिए थे हम लोग, ये आई हो रहा था, अच्छा, और ट्वाइस लगाए भी थे और एक पहले से था, वो कितना था 1 बाई पाई, तो फिर से 2 बाई पाई हो गया था, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 में 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx हो रहा था, ये सही है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, ये 0 से पाई बाई 4 एज इट इज,
टू बाई पाई एज इट इज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो cos 2x है इस cos 2x को tan में चेंज कर लेंगे, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जाता है, क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे हैं आप, समझ गए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यही डाल देंगे वहां पे ले जाके, ठीक है ना, अब ये वहां ले जाके हम लोग इसको डाल देंगे, तो यहां हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, यहां dx लगा दिया हमने, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x को हमने ऊपर भेज दिया, हम लोग sec स्क्वायर x को ऊपर भेज देंगे, तो देखिए यहां पे क्या आ गया, तो 0 से पाई बाय 4 में 2 बाय पाई ऊपर में sec स्क्वायर x dx अपॉन 2, इसको इंटू करना पड़ेगा ना, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये देखिए, ये समझ रहे आप पूरा, दैट इज जो अभी हम लोग ले आए उसको हम लोग ऐसा अलग कर लिए। तो देखिए फिर यहां पे क्या होगा कि अब ये 0 से पाई बाई 4 है, 2 बाई पाई, ठीक है, ठीक है ना, पहले इसको मैं फॉर्मेट बना दूं यहीं पे, 0 से पाई बाई 4 2 बाई पाई, ठीक है ना, 2 बाई पाई sec स्क्वायर x dx, ठीक है, अपॉन यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x dx, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x आ गया। अब इसी में क्या करो कि अभी हम लोग करेंगे कि tan x को हम लोग t बोल देंगे, तो यहां हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर x dx dt, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 4 में sec स्क्वायर x dx को हम लोग लिख देंगे dt अपॉन 1 प्लस 3 t स्क्वायर, ठीक है, अब यहां से 3 को कॉमन कर लेंगे बाहर, अभी हम लोग यहां से क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे बाहर, 2 बाय पाई, यहां से हम लोग 3 को कॉमन कर लिया, तो ये 1 बाय 3 आ गया बाहर, तो dt अपॉन 1 बाय 3 प्लस t स्क्वायर। अब देखिए, तो अब हम लोग ये 1 बाय 3 प्लस t स्क्वायर जो है, ये जो आया उसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां क्या आ गया, ये जो आ गया, ये आ गया हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है, ठीक है, अब ये क्या होता है, टैन इनवर्स हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, टैन इनवर्स हो जाता है, देखते चलिए। अब सॉरी, यहां लिमिट भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग लिमिट नहीं चेंज किए, गलती हुई हमसे, हम लोग यहां लिमिट चेंज करेंगे पहले, तो टैन टी इज इक्वल टू 0 पे 0 ही हो जाएगा और पाई बाई 4 पे 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है ना, तो ये अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, 2 बाई पाई इंटू 3 डी टी अपॉन, जिसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई ए, ये 1 बाई ए, तो ये 1 बाई ए कितना हो गया आपको, 1 बाई रूट 3 है, तो यानी ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, टैन इनवर्स x बाई ए, एक्स कितना है, टी बाई ए कितना है, 1 अपॉन रूट 3 यानी रूट 3 टी, ये हो गया, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में, हाँ हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, तो ये जब 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाई 3 पाई इंटू रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से टैन इनवर्स रूट 3 कितना हो जाता है, 1 डालेंगे तो टैन इनवर्स रूट 3 होगा, तो टैन इनवर्स रूट 3 दैट इज पाई बाई 3, ठीक है, और टैन इनवर्स 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। अब क्या होगा कि ये वाला जो 3 है, अब ये 3 3 से 9 हो जाएगा, 2 बाई 9, ये पाई पाई कट जाएगा, 2 बाई 9 रूट 3, मतलब देख रहे हैं 2 बाई 3 3 जन 9, ये रूट 3 हो गया, तो 2 बाई 9 रूट 3, ये दिख पा रहा आपको, 2 बाई 9 रूट 3, 2 बाई 9 सॉरी 2 रूट 3 बाई 9, सॉरी गलती से मैं गलत बोल रहा था, 2 रूट 3 बाई 9, तो ये जो आया ये डिजायर्ड है, ये है, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, यही हम लोग का आंसर है। तो ये जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो प्रॉब्लम है ये जेईई एडवांस एडवांस 2019 का प्रॉब्लम है, इसको किससे हम लोग किए, किंग्स रूल से। तो देखिए किंग्स रूल बहुत इंपैक्टफुल है, इसलिए आप हम लोग जरूर उसको करें, ऑलवेज करें।
अभी देखिए एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब अगर ऑप्शंस गिवन है ज्योमेट्री से तो हम लोग उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन उसको डिस्कस कर ले देता हूँ मैं, ज्योमेट्रिकल मेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन। ओके, अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से करने का क्या मतलब है मेरा कि इसका ज्योमेट्रिकल कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग बिना मतलब जैसे कि बिना कुछ किए हम लोग उसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, अगर ग्राफ भी सही से नहीं आता लेकिन बस प्लॉटिंग करके उसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे, एक मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये समझिए। ठीक है, इसका डी एक्स मैं लिखता हूँ, इसको जीरो से वन में इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, ऑप्शन के तौर पर गिवन है, ऑप्शन के तौर पर गिवन है वन, दूसरा गिवन है पाई बाई टू माइनस वन, तीसरा गिवन है पाई, चौथा गिवन है ये जो सॉरी फोर्थ जो गिवन है फोर्थ वो आपको गिवन है कितना पाई बाई टू प्लस वन बाई टू, ये समझ रहे हैं आप, यही यही गिवन है। ठीक है, यही गिवन है। अब इसको, अब एक तो चीज़ है वही जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम लोग सब्सिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सब्सिट्यूट करके सब्सिट्यूशन से कुछ कर सकते हैं, एक्स के जगह कॉस थीटा लगा के कर सकते हैं, बिना सब्सिट्यूशन के भी हम लोग उसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब इसको क्या है ना कि एक प्लॉटिंग कर लेते हैं हम लोग सिंपल, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे प्लॉट कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू जब जीरो डालेंगे तो जीरो पे वन है, ठीक है, और एक्स इज इक्वल वन पे जीरो है, तो जब एक्स इज इक्वल टू वन होगा तो वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो बेसिकली जब ये फॉर्म करेगा ये इस तरह कुछ एरिया फॉर्म कर लेगा, ये जीरो है और ये ऐसा कुछ एरिया है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो हम लोग जो इसका एरिया निकाल लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू बेस वन है इंटू हाइट भी वन है, ये जीरो कॉमा वन ही ना है, ठीक है, ये वन कॉमा जीरो है तो ये हो जाएगा वन बाई टू, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आंसर होना चाहिए। अब इसमें बताइए वन है क्या, यहाँ ये वन से ज़्यादा हो जाएगा, ये वन है, ये पाई है, ये भी थ्री से ज़्यादा है, तो ये एक आंसर हमको दिख रहा है क्योंकि ये होता है पाई बाई टू हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है, मान लीजिए थ्री ही अगर हम मान लें पाई की वैल्यू तो 1.5 माइनस वन ये हो जाएगा 0.5 के अप्रॉक्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कर सकते हैं इस तरीके से। जो तो लास्ट हमने किया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इससे हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है बिना किसी मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन के, एक मिनट के, एक सेकंड, दस सेकंड के आंसर अंदर आंसर कर सकते हैं ऑप्शन देख के। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, तो आज हम लोग यहीं लेक्चर खत्म करते हैं अपना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। ओके, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।